नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग 8 के गणित के चैप्टर चतुर्भुजों को समझना, अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। प्रश्न संख्या 1 है, दिए चित्र में कोण एक्स का मान होगा। एक देखिए, यहां पर चित्र दिया हुआ है और यहां इस कोण का एक्स का मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और यहां ये कोण देखिए 75 डिग्री है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है। तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? 180 से घटा दीजिए तो ये 105 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब जो बाह्य कोण है, यहां चार है बाह्य कोण, तो इनमें तीन हमें मालूम है, एक चौथा निकालना है। आइए इसे हल करते हैं। तो ये 105 डिग्री जोड़ 185 डिग्री जोड़ 110 डिग्री जोड़ एक्स, ये कितना होना चाहिए? सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसे हल करेंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। आप इसे जोड़े, 5 5 10 का शून्य, हाथ में रहा 1, 8 1 9, 1 10 का शून्य, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये 300 डिग्री हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया? 360 डिग्री घटाओ 300 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 60 डिग्री। मैं यहां लिख भी देता हूं, समबहुभुज या कोई भी बहुभुज लेते हैं, सम हो या नहीं हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखिए एक समचतुर्भुज बना हुआ है। यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से, इस प्रश्न को कंप्लीट कर देता हूं। पांच सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज बनाने के लिए कहा गया। दो विद्यार्थी ने नीचे दिए समचतुर्भुज बनाया, कौन कथन सही है? तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समचतुर्भुज बनाने के लिए दो विद्यार्थियों को कहा गया, दोनों ने इस तरह से बनाया। आप देखिए चित्र को,
इस तरह से एक ने बनाया ये वाला पहला वाला, दूसरे ने बनाया दूसरा वाला। तो बताना है ऑप्शन वन पहला वाला सही है, ऑप्शन टू दूसरा वाला सही है, ऑप्शन थ्री पहला दूसरा दोनों सही है, और ऑप्शन डी है पहला तथा दूसरा सही नहीं है, मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है। तो यह सम चतुर्भुज बनाने के लिए कहा गया है। तो सम चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले यह जानता होगा। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां भी सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं अर्थात बराबर हैं, और ये दूसरे वाले में भी सभी 5 सेंटीमीटर की हैं अर्थात सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसका अर्थ है कि ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही सम चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, दी गई आकृति है एक, ऑप्शन वो समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन टू है समलंब चतुर्भुज, सी है पतंग, और ये डी होगा, ये डी है सम चतुर्भुज। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो इस चतुर्भुज का जो संलग्न भुजाएं हैं वो बराबर हैं, बीसी और सीडी ये दोनों बराबर हैं, और ये एडी और एबी ये दोनों भी बराबर हैं। तो ये कौन सी आकृति है, ये पतंग की आकृति है। पतंग में संलग्न जो भुजाएं होती हैं या आसन्न भुजाएं कहेंगे वो बराबर होती हैं या समान होती हैं कहेंगे। तो यहां दोनों ये समान है और ये भी, ये संलग्न है ये समान है, तो ये है पतंग। प्रश्न संख्या चार, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। देखिए यहां पर ये जो कोण है 75 डिग्री है और ये बहिष्कोण है x, तो ये x हमें बताना है। तो समांतर चतुर्भुज में जो कोणों का गुण होता है वो क्या होता है, सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए ये 75 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये भी 75 डिग्री होगा, और अब देख रहे हैं कि ये एक ही रेखा पर स्थित कोण है ये वाला और ये वाला, यानी रैखिक कोण है। तो एक रेखा पर स्थित जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री घटाओ 75 यानी 105 डिग्री। तो ये बी नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आकृति ए बी सी डी एक वर्ग है तो x का मान क्या होगा। तो इस वर्ग में हम देख रहे हैं कि यहां पर विकर्ण है ए सी और ये विकर्ण है बी डी, और इसका ये वाला जो विकर्ण है ये है ना, तो ये दिया हुआ है 2x-3 और ये वाला जो विकर्ण है इसका दिया हुआ है x+1। इसे हम मान सकते हैं यहां पर दिया हुआ है, इसे पता नहीं चल रहा है कि ये पूरे विकर्ण का दिया हुआ है या आधे का दिया हुआ है, ठीक है जो भी हो। तो वर्ग के विकर्ण का क्या गुण होता है, पहला तो गुण ये होता है वर्ग के विकर्ण कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। और दूसरा गुण क्या होता है, लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब
समविभाजक होते हैं। ये विकर्ण के बारे में कहा गया है। तो ये इसका पहला गुण होता है वर्ग के विकर्ण का कि ये बराबर होते हैं, और दूसरा जो गुण है वो लंब समद्विभाजक होते हैं, अर्थात यहां पर ये कोण बनता है 90 डिग्री का और ये समद्विभाजक यानी आधे आधे हो जाते हैं, बराबर और होते हैं और आधे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक दोनों बराबर होगा, है ना। जब दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब 2x-3=x+1 दोनों बराबर होगा, या 2x-x=1+3 यानी x=4। तो x का मान हमारा आ गया 4। प्रश्न संख्या 6, आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो पहले हमें समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं यह जानना होगा। जिस चतुर्भुज के एक जोड़ा आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चलिए इसे लिख सकते हैं, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की एक जोड़ा वन पेयर है ना, एक जोड़ा भुजाएं समानांतर हो समलंब चतुर्भुज होती हैं या कहलाती हैं, जो भी कहें आप। यहां पर एक देखिए, गौर कीजिए, एक जोड़ा तो इसे हम समझ सकते हैं कम से कम एक जोड़ा, दो जोड़ा भी हो सकता है तो भी समलंब चतुर्भुज होगा। तो अब देख रहे हैं चित्र को, पहला जो ए है देखिए, ए बी समानांतर डी सी, यानी ये ए बी और ये डी सी समानांतर है तो ये तो समलंब है। यहां भी ए डी समानांतर बी सी, ये ए डी और बीसी समानांतर है तो यह भी समलंब चतुर्भुज है। यह आयत है तो आयत में तो हम जानते हैं कि आमने सामने की जो दोनों जोड़ा होता है वो बराबर भी होती है और समानांतर भी होते हैं, यानी ये और ये समानांतर है और ये भी समानांतर है तो यह आयत भी एक समलंब चतुर्भुज है। लेकिन यह डी वाले ऑप्शन में दिया है चतुर्भुज एबीसीडी, यहां यह नहीं बताया गया है कि यहां समानांतर है या नहीं है तो यह समलंब नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति में एक्स का मान होगा। तो ये हम देख रहे हैं यहां x है, ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री, 110 डिग्री, तो ये बाह्य, ये बहुभुज की बाह्य बहिष्कोण है या बाह्य कोण है। तो हम लोग अभी एक प्रश्न में अभी हमने देखा था कि बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहां पर जोड़ते हैं x प्लस 60 प्लस 75 प्लस 110 डिग्री इसकल टू कितना होगा, 360, या
एक्स प्लस ये जोड़ेंगे 5, 1 और 7 8, 8 और 6 14 का 4, हाथ में रहा 1 और 1 1 2, 245 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, अर्थात एक्स इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री घटाओ 245 डिग्री। तो ये 10 से 5 गया 5, यहाँ हो गया 5, 5 से 4 गया 1 और 3 से 2 गया 1, 115 डिग्री। तो ये वाला जो एक्स होगा वो कितना होगा 115 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ये आसान है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। अब यहां पर ये प्रश्न था चतुर्भुज के अंतः कोणों का, तो इस तरह के और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं चतुर्भुज की जगह पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, तो हम कैसे जानेंगे? तो इसका फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूं, समबहुभुज के, या बहुभुज भी कहें, अंतः कोणों, अच्छा ये सम हटा देते हैं कंफ्यूजन होगा, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये फॉर्मूला हमारा है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और यह एन क्या है, भुजाओं की संख्या। तो आपको इस तरह का कोई भी अगर अंतः कोणों का योग वाला प्रश्न आए, चतुर्भुज, पंचभुज, षट्भुज, अष्टभुज जो भी रहे, तो बस इस फॉर्मूला से आप निकाल लें उसका। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में x का मान होगा, ये एक त्रिभुज है और इसके ये बहिष्कोण है, ये वाला x 140 और ये 120। तो अभी हमने देखा था एक प्रश्न में बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया 240 डिग्री, तो इसे घटा दे, नहीं सॉरी 260 डिग्री हो रहा है, ये 240 नहीं 260 डिग्री, 140 और 120 जोड़ रहे हैं तो 260 डिग्री, तो ये कितना बच जा रहा है 100 डिग्री, है ना? तो ये x का मान हो गया हमारा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, आयत के अंतः कोणों का योग, तो आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है यानी उसमें चार भुजाएं होती हैं, तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो एन यहां क्या है, चार है, चार माइनस दो गुना 180, तो ये हो गया 2 गुना 180 यानी 360 डिग्री, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन वन है। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कोण एक्स, कोण वाई प्लस कोण जेड का योग होगा, तो यहां पर आप देखिए एक्स वाई जेड और ये है 40, तो ये चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, ये क्या हो गया 360 डिग्री, और ये वाला कोण हम घटा देंगे 40, तो ये आ रहा है 320 डिग्री।
तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। दिए गए समानांतर चतुर्भुज में एक्स का मान होगा, तो यहां पर है ये वाला कोण 75 डिग्री और ये वाला कोण एक्स है, तो इस एक्स का मान बताना है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो दोनों कोण है ये आसन्न कोण है, तो समानांतर चतुर्भुज के कोणों के गुण से हम जानते हैं कि आसन्न कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, है ना। इसे लिख देते हैं, समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, इसे संलग्न कोण भी बोल सकते हैं, जो अगल बगल होता है, आसन्न कोण का मतलब जो अगल बगल होता है ना, संपूरक होते हैं। संपूरक कहने का मतलब इनका योग 180 डिग्री होगा, है ना। संपूरक अर्थ क्या हुआ, इसका योग 180 डिग्री होगा, तो इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो x बराबर क्या होगा, 180 से हम 75 को घटा देते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 105 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो कोई भी बहुभुज हो, वर्ग हो या आयत हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, कोई भी बहुभुज हो या त्रिभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, किसी इस चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योगफल होता है, ये अभी हमने बात किया था, इससे पहले भी प्रश्न देखा है, तो इनका योगफल क्या होता है, 360 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं समानांतर चतुर्भुज, इनका क्या गुण होता है, ये समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण की 3 गुना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। देखिए ये प्रश्न जो है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति का प्रश्न है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये कह रहा है प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण की 3 गुनी है, तो हम मान लेते हैं अंतस्थ कोण को, मान लिया कि अंतस्थ कोण बराबर x, तो जो बहिष्ठ कोण होगा वो हो जाएगा x बाई 3, क्योंकि अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण की 3 गुनी है। अगर इसको उल्टा कहें तो क्या हो गया कि जो बहिष्ठ कोण होगा अंतस्थ कोण का 1/3 होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोण कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अगर उसमें n भुजाएं हैं तो उसमें बहिष्ठ कोण के कोण कितने होंगे, n होंगे, तो इसको जब हम गुना कर दें भुजाओं की संख्या से बहिष्कोण को गुना करें तो यह आना चाहिए कितना, 360 डिग्री। अर्थात ये x nx लिखें, चलिए x n या nx, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 3 यानी 1080 डिग्री। तो ये क्या है, n
एन एन जो हमने मांगा माना है ये है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब देख रहे हैं एन है भुजाओं की संख्या और एक्स क्या है अंतः कोण, यानी जितनी भुजाएं होती हैं कोण भी तो उतने होते हैं, है ना, जितनी भुजाएं होती है कोण भी अंतः कोण उतने ही होते हैं। तो इसका मतलब कि वहां अंतः कोणों का योग, उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो गया 1080 डिग्री। इसे शब्दों में लिख देते हैं, इसलिए सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 1080 डिग्री। लेकिन अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला हमारे पास है वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, है ना, और हमें मिला है योग कितना 1080 डिग्री, यानी ये अंतः कोणों का योग इसके बराबर होगा यदि उसमें n भुजाएं हैं तो, या n माइनस 2 इक्वल टू 1080 बटा 180। तो इसे काटेंगे तो ये आएगा 6, अर्थात n इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, अर्थात उसमें भुजाएं कितनी होंगी 8 भुजाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं संलग्न कोणों का अर्धक प्रतिच्छेद करता है। यह प्रश्न भी राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति का है, तो आइए इसे हल करते हैं। ये हमने एक ये बना रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, ये है ए बी सी डी। तो किन्हीं संलग्न कोणों का अर्धक, यानी ये कोण ए को हम इसका अर्धक ऐसे खींच दिए और बी का भी कर दिए, ठीक है ये, और ये इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है मान लीजिए ई बिंदु पर। तो ये वाला कोण हमें बताना है कि ये कोण ई जो है ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि संलग्न कोणों का, किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का या कहीं आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों ओर अगर हम दो से भाग दे दें तो ये हो जाएगा कोण ए बाई टू प्लस कोण बी बाई टू और ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये कोण ए बाई टू यानी कोण ए का आधा, ये है अर्धक, हमने अर्धक खींचा तो ये आधा हो गया, ये भी अर्धक है या आधा हो गया। तो इसको और इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना है 90 डिग्री, और ये ए ई बी ये क्या है त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये कोण ई बराबर क्या हो गया 180 डिग्री घटाओ कोण ए बाई टू प्लस कोण बी बाई टू, तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों कोणों का कितना है 180 डिग्री योग है, सॉरी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो हमारा कोण ई कितना आ गया 90 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस वीडियो में जो हमने प्रश्न का संग्रह प्रस्तुत किया है ये प्रश्न जैक द्वारा
और जेसीईआरटी द्वारा जो बोर्ड मॉडल प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को लिया गया है, साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के भी प्रश्न हैं और राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के भी प्रश्न हैं। तो इस जो ये जो पाठ है चतुर्भुजों का समझना, इसमें जितने भी प्रश्न हमने दिए इससे आपको आने वाले वर्ग आठ की बोर्ड परीक्षाएं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा और राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा सभी के लिए काफी उपयोगी होगा। धन्यवाद।